जैसा कि आप सभी को पता है, टीवी एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा ने अपने को स्टार के मेकअप रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसका जिम्मेदार उनका बॉयफ्रेंड सीजान खान को ठहराया जा रहा है। तुनिसा शर्मा की मां वनिता शर्मा ने बकायदा वीडियो जारी कर सीजान पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तुनिसा ने महज 20 साल की उम्र में मौत को गले लगाकर हर किसी के जहन में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वीडियो में वनिता शर्मा कह रही हैं, सीजान ने मेरी बेटी को धोखा दिया है। पहले उसने तुनिसा के साथ रिलेशनशिप बनाया और शादी का वादा भी किया। इसके बाद उसने तुनिसा से ब्रेकअप किया। इतना ही नहीं, उसका किसी और के साथ पहले से ही अफेयर चल रहा था। इसके बावजूद उसने मेरी बेटी के साथ रिश्ता बनाया, उसको 3-4 महीने इस्तेमाल किया और फिर धोखा दे दिया। मेरा बस इतना कहना है कि सीजान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा बच्चा गया है, उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। बता दें कि तुनिसा शर्मा की मौत के बाद ही उनकी मां वनिता शर्मा ने सीजान मोहम्मद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीजान को गिरफ्तार कर वसई कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। तुनिसा शर्मा के मौत की हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस ने तुनिसा और सीजान दोनों के फोन और लैपटॉप को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। वहीं सीजान से भी पुलिस स्टेशन में पूछताछ भी जारी है। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि सीजान ने तुनिसा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिसा से ब्रेकअप किया, और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तुनिसा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, सीजान को नहीं छोड़ना, मेरा बच्चा गया है। बस बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का।